बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मिड 1970s में बायोटेक्नोलॉजी टर्म सामने आई। इसके अंडर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि रिलेटेड हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग से। ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है नॉलेज की और टेक्निक्स की, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो पाए। इसके थ्रू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो पाई हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में, जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सब्जेक्टिव आता है, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है उन्हें नहीं पता लगता है, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैं साथ साथ जानकारी दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, फाइंड आउट वेयर दे आर यूज एज थेरापेटिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह से देना है। पहले आप बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स मेडिकल प्रैक्टिस में यूज होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलर जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज मॉलिक्यूलर टूल्स। उसके बाद आपने लिस्ट देनी है 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की। आपको 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स तो क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएंगे, 2 या 4 ही पूछे जाएंगे। ध्यान से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और उसकी थेरापेटिक एप्लीकेशन को लर्न करें। इंटरफेरॉन अल्फा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, इंटरफेरॉन बीटा इज यूज्ड टू treat herpes and viral enteritis, interferon B is used in the treatment of multiple sclerosis, antithrombin 3 is used in blood clot prevention, human recombinant growth hormone is used to promote growth in an individual, coagulation factor 8 is used in the treatment of hemophilia A, coagulation factor 9 is used in the treatment of hemophilia B, DNase 1 is used in the treatment of cystic fibrosis and tissue plasminogen activator is used in the treatment of acute myocardial. इसका टेबल बना लें और properly इन्हें लर्न करें। Moving to next question, make a chart with diagrammatic representation showing a restriction enzyme, the substrate DNA on which it acts, the site at which it cuts DNA and the product it produces. Figure में देख सकते हो diagrammatic representation given है। आपकी NCERT में ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझें और इसे ड्रॉ करके देखें। इसमें आपको एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रॉपरली दिखाना है। रेड कलर में आप देख सकते हो वेक्टर डीएनए और ब्लैक कलर में फॉरेन डीएनए, और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज है दैट इज इको R1। एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, then it cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAA-TTC is present in the DNA. Sticky ends को भी आपने लेबल करना है। DNA fragments join at the sticky ends और फिर वो बनाते हैं recombinant DNA. तो इस तरह से तीनों steps को आपको diagrammatic representation में show करना है, तभी आपको full marks मिलेंगे। Moving to next question, question number 3, from what you have learned, can you tell whether enzymes are bigger or DNA is bigger in molecular size? How did you No. अगर आपको पता है कि एंजाइम्स बिगर हैं या डीएनए बिगर है मॉलिक्यूलर साइज में, तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो? इस क्वेश्चन के आंसर को आपने किस तरह से फ्रेम करना है? कंपेयर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स आर स्मॉलर इन साइज। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, लेकिन आपको कैसे पता, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वी कैन से दिस एज डीएनए कंप्राइजेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग entities. A DNA molecule consists of instructions required for the synthesis of DNA molecules
and proteins, whereas enzymes are the proteins that are synthesized from genes, a small fragment of DNA. These are crucial in the production of polypeptide chain. आपको दोनों का difference भी mention करना होगा. Next question is, what would be the molar concentration of human DNA in a human cell? Molar concentration of human DNA in human cell can be given as 6.023 into 10 raised to power 23 into total number of chromosomes. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए 46. उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 2.77 इनटू 10 रेज टू पावर 23 मोल्स. मोलर कंसंट्रेशन पूछी है सो योर आंसर शुड बी इन मोल्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस? जस्टिफाई योर आंसर. यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एज द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स इज हाईली मिथाइलेटेड बाय मिथाइलेज अ मॉडिफिकेशन एंजाइम. दिस methylation safeguards the DNA from the action of restriction enzymes. In prokaryotic cells, these enzymes are present where they aid in preventing the invasion of DNA by virus. आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड आंसर नहीं देना है क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी है. दैट्स व्हाई आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी मेंशन करना होगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, व्हाट अदर एडवांटेजेस डू स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव ओवर शेक फ्लास्क्स? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स में एरेशन होती है, मिक्सिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. इनके अलावा स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स की और क्या एडवांटेजेस होती हैं ओवर शेक फ्लास्क्स? Stirred tank bioreactors are developed for a large-scale production of biotechnology products, whereas the shake flask method is applied for a small-scale production of biotechnological products carried out in a laboratory. The stirred tank bioreactor has few advantages over shake flasks. तो वो कौन-कौन सी हैं? For testing and sampling process, small amounts of culture can be drawn out from the reactor. Second advantage is presence of a control system to regulate the pH and temperature. Third advantage is to regulate the foam. The stirred tank bioreactors have a foam breaker. So, ध्यान देना है कि किस तरह से आपने अपना आंसर फ्रेम करना है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस. बेटर ट्राई टू क्रिएट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बाय फॉलोइंग बेस पेयर रूल्स. बेस पेयर रूल्स का यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है और फिर आपने 5 एग्जांपल्स पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस की देनी है. पैलिंड्रोमिक क्या होता है? जो आगे से पीछे और पीछे से आगे सेम हो. सो अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रीड्स द सेम वेदर रीड फ्रॉम 5 to 3 और फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. दीज आर द साइट्स फॉर एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अब यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स गिवन है, इनका स्क्रीन शॉट ले लें, इनको ध्यान से स्टडी कर लें. अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरह से इसे अटेम्प्ट करना है. मूविंग टू next question, can you recall meiosis and indicate at what stage a recombinant DNA is made? Meiosis ke dauran kaun si stage pe recombinant DNA banta hai? A process involving a reduction in the quantity of genetic material is termed as meiosis, which is a type of cell division. It occurs in two phases, namely meiosis 1 and meiosis 2. Ab aap kahoge itna mention karne ki kya zarurat hai, kyunki ye subjective paper hai, aapko उस पर्टिकुलर टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा. इन द पैकेटिन इवेंट ऑफ प्रोफेज 1 क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर वेयर इन द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो कौन सी स्टेज पे होता है? पैकेटिन इवेंट ऑफ प्रोफेज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक एन आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स बाय फॉरेन डीएनए इन एडिशन टू अ सिलेक्टेबल मार्कर? The solution is to monitor the transformation of host cells by foreign DNA. A reporter gene can be used. They serve as a selectable marker to find out if the host cell has used up the foreign DNA, else the foreign gene is expressed in the cell. The reporter gene and the foreign gene are placed by scientists in the same DNA construct.
This collective DNA construct is introduced into the cell where the reporter gene is used as a selectable marker to discover the successful uptake of foreign genes or the genes of interest. इसके आंसर के साथ ही एक एग्जाम्पल भी दे दें तो बेटर होगा. इन अ जेलीफिश लैक जेड जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टर जीन दैट एनकोड्स फॉर अ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बायोरिएक्टर्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ आप इसकी डेफिनेशन देंगे. इट कैन बी डिफाइंड एज अ डीएनए सीक्वेंस इन अ जीनोम वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड. द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैन ईदर बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल. एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स. द सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कॉपी ऑफ अ नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए. हेंस टू रिकवर मेनी copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. Part B is bioreactor. They are large vessels that are used for the large-scale production of biotechnological products from raw resources. In order to obtain the required product, these bioreactors offer optimal conditions by supplying optimum pH, temperature, vitamin, oxygen, etc. They have an oxygen delivery system, a foam control system, a temperature and pH control system. Also, it consists of a sampling pore to withdraw a small quantity of culture for the purpose of sampling. यहाँ पे उन्होंने briefly पूछा है तो आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी explanation नहीं देनी है. Next part C is downstream processing. It is a method of separating and purifying foreign gene products once the biosynthetic stage is completed. Then the product is exposed to different procedures to separate and purify the product. Once the process is completed, the product is formulated and made to undergo several clinical trials for quality check and other related assessments. Next question, explain briefly A. PCR, B. restriction enzymes and DNA and C. chitinase. अगर कोई टर्म एब्रीवेटेड फॉर्म में है तो सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म देना बहुत जरूरी है. जैसे इस क्वेश्चन में PCR की फुल फॉर्म क्या होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो आपने शुरू इस तरह से करना है. इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी PCR और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक टू एम्पलीफाई अ जीन और अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA इन ऑर्डर टू गेट मल्टीपल कॉपीज. इट इज वाइडली यूज्ड इन द जीन मैनिपुलेशन प्रोसेस. द फिनोमिना इन्वॉल्व्स द इन विट्रो synthesis of sequences with the help of a template strand, a primer and a thermostable DNA polymerase enzyme produced by a bacterium known as Thermus aquaticus. आप यहाँ देख सकते हो कि एक ही लाइन में कितना कुछ एक्सप्लेन हो गया है कि ये इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ सीक्वेंसेस है. इसमें एक प्राइमर यूज होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है और उसमें हेल्प कौन करता है, एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, थर्मस एक्वेटिकस. द एंजाइम यूजेस द बिल्डिंग ब्लॉक्स डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स DNTPs इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द प्राइमर. तो एक छोटे से पैराग्राफ में पूरी एक्सप्लेनेशन PCR की आ गई. PCR के अंडर तीन स्टेप्स आते हैं, वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे. द स्टेप्स आर ऑफ डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. इनिशियली द डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल्स आर हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल. दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज डीनेचुरेशन. दिस DNA मॉलिक्यूल इज देन यूज्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड to synthesize a new strand by the DNA polymerase enzyme. The process is termed as annealing that leads to the replication of the original DNA molecule and the process is carried out for multiple cycles to obtain multiple copies of the ribosomal DNA fragment. प्राइमर इज एक्सटेंडेड बाय TAQ DNA polymerase. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो फिगर है उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें. इस फिगर को ड्रॉ करके देखें. तीन स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन देना नहीं भूलना है. PCR से रिलेटेड क्वेश्चन अगर 3 marks के अंडर आया है तब भी आपने ये फिगर देनी है. अगर 5 marks के अंडर आ रहा है तो आपने डेफिनेटली ये फिगर देनी ही है. प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए आपकी फिगर. इस तरह से आपको अपने आंसर को
फ्रेम करना है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड टू कट डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट। इट हैज अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन द जीन मैनिपुलेशन प्रोसेस। These enzymes identify a particular six-base pair sequence referred to as the recognition sequence and snip the sequence at specific sites. For instance, the recognition site for the ECO-R1 enzyme is as given below. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले enzyme के बारे में बताना है और फिर एक एंजाइम की एग्जाम्पल देके उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ शो करना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट्स विद इन द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। इट सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिपिकली इट इज यूज्ड टू मेक अ स्निप इन द सीक्वेंस टू गेट डीएनए फ्रेगमेंट्स पोजेसिंग sticky ends. These ends are later fused by the enzyme DNA ligase. Exonuclease is the type of restriction enzyme which removes the nucleotides either from 3 or 5 ends of the DNA molecule. Next part of the question is chitinase. It is a class of enzyme that is used for degradation of chitin that forms the main component of the cell wall of fungi. Hence, to isolate the DNA involved within the cell membrane of the fungus, the chitinase enzyme is used to break the cell to release its genetic material. Moving to next question, discuss and find out how to distinguish between plasmid DNA and chromosomal DNA, RNA and DNA, exonuclease and endonuclease. Differences पे based कोई भी question अगर आपको आता है आपके board exam में, आपको properly एक table बनाना है, दो column बनाने हैं, एक column में आप एक टर्म को रखेंगे, दूसरे कॉलम में दूसरी टर्म को। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ जाता है, डिफरेंसेस देने के बाद एक एक एग्जांपल भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो बेटर होगा। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए फॉर्म्स द कंप्लीट डीएनए ऑफ एन एंटिटी फाउंड इनसाइड the chromosomes. Part B is difference between RNA and DNA. आप देख सकते हो कि एक कॉलम में RNA के बारे में आपने देना है और दूसरे कॉलम में DNA के बारे में। जब भी आप differences mention कर रहे हो तो आमने सामने contrasting characteristics ही हो। Let's talk about difference between RNA and DNA. RNA is single-stranded molecule, DNA is double-stranded molecule. RNA cannot replicate by themselves, DNA have the potential to replicate. RNA consists of ribose sugar, DNA consists of deoxyribose sugar. Under RNA, pyrimidines are uracil and adenine. Under DNA, pyrimidines are thymine and adenine. RNA is a component of ribosomes, DNA is a component of chromosomes. Moving to next part, difference between exonuclease and endonuclease. Exonuclease is a kind of restriction enzyme which removes the nucleotides from 5 or 3 terminals of the DNA molecule. Endonuclease is a kind of restriction enzyme that snips within the DNA at particular sites to produce sticky ends. Difficult topics आप comment section में mention कर सकते हैं. You are free to ask any question related to the topic. Share करें मेरी videos अपने friends के साथ. Subscribe to my channel and press the bell icon.